जनपद हापुड़ के क्षेत्र ग्राम भिखनपुर के लोग गंदगी में जीने के लिए दुश्वार है, जो कि प्रधान से भी शिकायत की और ब्लॉक अधिकारियों से भी शिकायत की। 20 दिन के बाद भी सफाई नहीं हुई, ना ही कोई कार्यवाही हुई। मेवा राम अमित लोकेश पिंटू ग्राम में कोई भी काम सही किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण न ही कोई सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसके कारण गंदगी में जीने को ये ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। आज की स्थिति देखते हुए बीमारियों का सामना कर रहे मेवा राम, पिंटू, अमित व अन्य लोग वहां पर मौजूद हैं। अबरार की खास रिपोर्ट। प्रधान के यहाँ गए सफाई के लिए, क्या कही करवाएंगे? करवाते क्यों ना प्रधान? जो वोट डाल रखे वो भी लिख रहेगी। कब बताओ? बोलो। सेक्रेटरी साहब क्या कह गए? सेक्रेटरी साहब कह गए और प्रधान ने कह देंगे जो मेरे बाप का भी मकान है उसे तोड़ूंगा। ठीक। प्रधान जी से क्या कही सफाई के लिए? दस बार कह ली, एक बात बताओ जी, सारे गांव में सफाई हो रही है, हमारे मोहल्ले में हमारे मात्र ना सफाई, सफाई कर्मचारी आया ही ना आज तक, आज तक आया ही नहीं है, आया ना आज तक, ना अभी अब तक मिला आया। प्रधान के पास गए एक आध बार? अरे हम तो आ गए प्रधान के पास में, प्रधान जी खुद मीटिंग करी हम प्रधान के, सारी सभा की मीटिंग हुई, आज तक बिना आया कोई। झोड़ की सफाई के लिए क्या कह रहे हैं फिर? झोड़ की सफाई के लिए तो होगी, जो ये जो गंदगी में रह रहे हो, ये जो गंदगी में रह रहे हो आप लोग यहाँ, गंदगी में एक बात बताओ, जब कोई सफाई कर्मचारी ना करेगा सफाई ना करेगा तो मजबूरी में रहना। ब्लॉक में शिकायत करी एक आध बार आप लोगों ने जाके? नहीं हम आगे ब्लॉक में। दस क्षेत्र पर कॉल करी कोई? ना दस क्षेत्र पर कॉल करी, जब सबके बाबा यहाँ आए तो हम दस क्षेत्र पर करते ही क्या? वे क्या कह के गए अधिकारी फिर? वो जो कह के हो जाएगी, कब को हो जाएगी गंदगी में रह रहे हैं? कब को हो जाएगी? जिस दिन हो जाएगी उस दिन मान लो हो जाएगी।